अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्रोफेशनल लाइन के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ सैयद जियाउर रहमान। बेटा, प्रोफेशनल लाइन किसी भी सूरत में गेस्ट देने का कायल नहीं है। ताहम हम बच्चों को कुछ अहम सवाल की फहरिस्त देते हैं जिन्हें सबसे पहले वो तैयार कर रहे हैं। तो आज जो हमारी डिस्कशन है बेसिकली केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट के हवाले से है कि केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल मुख्तलिफ चैप्टर्स में कौन कौन से हैं। और यहाँ एक बात बहुत अहमियत की हामिल है कि हमने उन्हीं चैप्टर्स का इंतखाब किया है जो पेयरिंग स्कीम के अतबार से अहमियत के हामिल हैं। हमने उन चैप्टर्स को छोड़ दिया जो पेयरिंग स्कीम में नहीं आते, हमने उन चैप्टर्स को डिस्कस किया है जो पेयरिंग स्कीम के हवाले से अहमियत के हामिल हैं। इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह जो फिजिक्स के जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन थे तकरीबन तमाम बोर्ड में, फैसलाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, आजाद कश्मीर, तमाम बोर्ड में जो है उनमें से पेपर बना था। और हम प्रोफेसर इस वीडियो की इजाजत से जनाब प्रोफेसर इफ्तिखार अहमद साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। अलावा जी पास स्टडीज का तमाम बोर्ड्स के पेपर जो हैं वो हमारे अहम सवाल से उन्होंने मुंतखब किए थे। तो आज जो हम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं केमिस्ट्री के, हमारे साथ मौजूद हैं तजर्बे और सलाहियत का बेहतरीन इम्तजाज प्रोफेसर मुदस्सर हुसैन आफाक। तो बेटा, आज सर आपको बताएंगे कि सबसे अहम सवाल क्या हैं और किस तरह आप उनको तैयार करें। फिर साहब, बच्चों के बहुत ज़्यादा मैसेज थे कि सर आप हमें इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है बताएं। तो सर, आप अपनी ही पेयरिंग स्कीम के मुताबिक जो कि आपने अपने एक्सपीरियंस के साथ बनाई थी और बच्चों को बताया था, तो आप मुख्तलिफ चैप्टर्स के हमें इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताएं। ओके सर जी, बच्चों आप देख सकते हैं चैप्टर 1, आपने इधर उधर से भी कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन चुने होंगे, कुछ सिलेक्शन की होगी आपने, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। तो आपके और हमारे वो सारे मिलाकर इंशाल्लाह इन्हीं में से कोई 7-8 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, उन्हीं में से आपके बोर्ड के पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन इंशाल्लाह आ जाएगा। चैप्टर 1 की अगर बात करें तो इसके 5 to 6 लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये नहीं कह रहे कि बाकी सारे छोड़ दें, जो अच्छे बच्चे हैं वो सारे करें, ये उनके लिए होता है। जिन्होंने बिल्कुल तैयारी ना की हो, ये उन बच्चों के लिए होता है कि वो इनकी अगर तैयारी कर लें, अगर चांस पे आ जाए तो वेल एंड गुड। तो वो क्वेश्चन कौन से हैं? डिफाइन एम्पिरिकल फार्मूला, राइट इट्स डिटर्मिनेशन स्टेप। इसमें एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन और उसके 4 स्टेप्स हैं, टेक्स्ट बुक में बस वो लिखे हैं। उसके बाद राइट अ नोट ऑन लिमिटिंग रिएक्टेंट विद 3 एग्जांपल्स। बुक में एक एग्जांपल दी हुई है वाटर की फॉर्मेशन की, आप बीच में अमोनिया फॉर्मेशन ऐड कर लें, आप एक रिएक्शन और ऐड कर लें इसमें, ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड की सिंथेसिस कॉन्टैक्ट प्रोसेस वो ऐड कर लें, कोई से 3 रिएक्शन आपने लिखना है इसमें, क्लियर। उसके बाद हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट 3rd क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन स्टिशियोमेट्री एंड इट्स पॉसिबल टाइप्स। पॉसिबल टाइप्स में बुक में 3 गिवन है, आप उन 3 को एक्सप्लेन करेंगे। 4th टाइप लिखी हुई है मोल स्टिशियोमेट्री या कैलकुलेशंस, वो भी लिख सकते हैं। इनके अलावा भी और टाइप्स भी हैं, आप उनके जस्ट नाम मेंशन कर दें ताकि एग्जामिनर को पता चले हाँ बच्चे को कुछ एक्स्ट्रा बातें उसमें आती हैं। डिफाइन एंड एक्सप्लेन नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, डिफाइन एंड एक्सप्लेन कंबशन एनालिसिस फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। अब इसमें कॉमन मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं, पूछा गया है कंबशन एनालिसिस, तो कंबशन एनालिसिस की डायग्राम, उसके मैथमेटिकल फार्मूला और उसका प्रोसीजर लिखना, बस बच्चे एम्पिरिकल फार्मूला डिटर्मिनेशन के स्टेप्स लिखने बैठ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, डिफाइन एंड एक्सप्लेन मोल। मोल को एक्सप्लेन करना आपने, उसकी वो सारी टाइप्स लिखनी है, इसकी जनरल डेफिनेशन लिखनी है, फिर ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल्स, ग्राम फार्मूला, यूनिट्स, ग्राम फार्मूला, उसको एक्सप्लेन करना आपने। अगर मोल ना दे तो एवोगैड्रो नंबर का क्वेश्चन दे देता है, इसको आप एक्सप्लेन करेंगे, एवोगैड्रो नंबर की डेफिनेशन लिखेंगे, इसके यूनिट्स लिखेंगे, फिर इसके 2-3 फार्मूला हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके अलावा नंबर ऑफ आइंस कैसे फाइंड कर सकते हैं आप, ठीक है, एवोगैड्रो नंबर को मोल के साथ कैसे रिलेट किया जाता है वो कह सकता आपको, यानी एवोगैड्रो नंबर वाला लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आएगा वो लिखेंगे आप। उसके बाद बेटा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है चैप्टर 4, 5 एंड 6, जो हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो बच्चे 3 चैप्टर करना चाह रहे हैं बस, ठीक है, और चाहते हैं 50% ऊपर नंबर ले लें, तो उनके लिए चैप्टर 4 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस को जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं उनके बारे में लिखना आपने, ठीक है, और इनके साथ एग्जाम्पल बच्चे बुक नहीं करते, एग्जाम्पल दे लिया आपने, वो कैसे सर कहां से लाएंगे, बुक में है नोबल गैसेज और हैलोजन्स के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज के होते हैं, वो लिखे इसकी कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ती हैं, पोलराइजेबिलिटी बढ़ने की वजह से, जिसकी वजह से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाते हैं, उसकी एग्जाम्पल पुट करेंगे आप। फिर
एटॉमिसिटी मॉलिक्यूल का साइज बढ़ता है, नंबर ऑफ एटम ऑफ मॉलिक्यूल में बढ़ते हैं तो तब भी पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है, पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी तो लेटेंट डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रांग हो जाएंगे। इसकी एग्जांपल कौन से पुट करना चाहिए, इसमें हाइड्रोकार्बन्स मीथेन इथेन प्रोटेन ब्यूटेन डीकेन वगैरह उनकी किसी दो की एग्जांपल पुट करते हैं। बुक में हेक्सेन और डीकेन की एग्जांपल है, हेक्सेन लिक्विड है, डीकेन उससे थोड़ा विस्कस लिक्विड होता है विद हायर बॉइलिंग पॉइंट, तो वो देंगे आप। बॉइलिंग पॉइंट एंड एक्सटर्नल प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है डेफिनेशन लिखें, और एक्सटर्नल प्रेशर का बॉइलिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट है, एक्सटर्नल प्रेशर का बॉइलिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट होता है। जो एक्सटर्नल प्रेशर है इसका बॉइलिंग पॉइंट पर डायरेक्ट इफेक्ट होता है, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, एक्सटर्नल प्रेशर कम करें बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, वो इसकी डिटेल बताएंगे आप। मरी हिल्स, फिर माउंट एवरेस्ट, ठीक है, और वैक्यूम डेसिकेटर वाली, प्रेशर कुकर वाली, वो कोई दो चार एग्जांपल, हाई प्रेशर और लो प्रेशर। लो प्रेशर में वैक्यूम डेसिकेटर की एग्जांपल आ जाती है, हाई प्रेशर पर आप प्रेशर कुकर की एग्जांपल दे सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एप्लीकेशंस बताएं इन स्ट्रक्चर ऑफ आइस या फिर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में, इन दोनों में से कोई एक आता है, ठीक है, इन दोनों में और है, या वो ये पूछते या ये पूछते, उसमें स्ट्रक्चर ऑफ आइस फाइनल वाला स्ट्रक्चर ना भी बने नो प्रॉब्लम, वो हनीकॉम लाइक जो उसका स्ट्रक्चर है बाकी बना दें, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बना दें उसका, एक कार्बन के जो चार कार्बन बने हुए हैं वो बनाए उसका, ठीक है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, डीएनए का स्ट्रक्चर है, तो वो बनाना जरूरी है, वो अच्छे तरीके से उसकी प्रैक्टिस कर ले, उसी के सारे मार्क्स हैं आपको बताता चलूं, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के शो कर देंगे। उसके बाद बेटा चैप्टर फोर का ही अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर कहता है एक्सप्लेन मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर बाय मैनोमेट्रिक मेथड। इसमें समटाइम वो वेपर प्रेशर की डेफिनेशन पूछ लेता है, फैक्टर्स का जस्ट नाम पूछ लेता है, और आगे कहते हैं इसकी मेजरमेंट का मेथड लिख दें, ठीक है, या फिर डायरेक्ट मेजरमेंट का मेथड भी कह सकता है, ठीक है, तो ज्यादातर डायरेक्ट मेजरमेंट का मेथड आता है, तो वो मैनोमेट्रिक मेथड उसकी एक्सप्लेनेशन दे, डायग्राम बनाए, लेबल करें, ठीक है, और उसके लिम्स के अंदर आपने लेवल ऊपर नीचे शो करना है, ताकि उनका डिफरेंस शो करते हैं डेल्टा एच की फॉर्म में, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वेपर प्रेशर अगर उससे ज्यादा है तो उसका डिफरेंस उसमें डेल्टा एच की फॉर्म में हम ऐड करते हैं, उसमें जो स्केल बनी होती है दरमियान में दोनों लिम्स के मेजरमेंट डिस्टेंस मेजरमेंट स्केल वो मिलीमीटर में होती है, तो वो आपने अच्छे तरीके से लेबल करना है, तो ये आपको तब अच्छे मार्क्स मिलेंगे इसमें। डिफाइन क्रिस्टल लेटिस एंड एक्सप्लेन यूनिट सेल, बड़ा सीधा सा क्वेश्चन है, क्रिस्टल लेटिस और साथ ही आप यूनिट सेल आ जाता है, इसमें उसके सिक्स पैरामीटर्स बता देंगे जिन्हें क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स कहते हैं, उनको आप एक्सप्लेन करेंगे, डायग्राम बनाएंगे क्यूबिक यूनिट सेल की, और उसमें अल्फा बीटा गामा एंगल्स कहाँ हैं और ए बी सी साइड्स किन किन एक्सिस के अलॉन्ग हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जी एक्सिस के अलॉन्ग होती है वो, ठीक है। आगे प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करनी है, ठीक है, फिर कोवेलेंट सॉलिड की प्रॉपर्टीज पूछ लेता है, कोवेलेंट सॉलिड को एटॉमिक सॉलिड भी कहते हैं, कोवेलेंट या एटॉमिक सॉलिड भी लिख सकता है इसकी जगह, ठीक है, एटॉमिक सॉलिड्स, कोवेलेंट सॉलिड या एटॉमिक सॉलिड जिसे कह देगा वो लिख। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आता है, एक्सप्लेन नंबर वन क्यूबिक यूनिट सेल या क्यूबिक, सॉरी एक्सप्लेन क्यूबिक क्लोज पैकिंग, दूसरा है एक्सप्लेन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ये दोनों अलग अलग तो शॉर्ट में आते हैं लेकिन इकट्ठे आते हैं कि लॉन्ग आया हुआ इसका, ये लॉन्ग में दे सकता है दोनों, इसमें लास्ट में स्ट्रक्चर्स है कुछ, अगर वो स्ट्रक्चर बना सके तो ठीक, वो थ्री डी स्ट्रक्चर्स है थोड़ी, जिसकी ड्राइंग अच्छी है वो बना सकेगा, एक दो दफा प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, नहीं भी बनता तो इतना बड़ा इशू नहीं है इसका, लेकिन इसमें जो रिटर्न वर्क है वो आपका बड़ा एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है बेटा। ये था चैप्टर फोर, उसके बाद चूंकि ये काफी ज्यादा लंबा चैप्टर है, इसके दो पोर्शन है, लिक्विड और सॉलिड, ये लिक्विड वाला पोर्शन है ज्यादातर और ये सॉलिड वाला, यहाँ से क्रिस्टल लेटिस और इसके आगे, ठीक है। क्रिस्टल सिस्टम आ जाता है, सेवन क्रिस्टल सिस्टम, तो सेवन का सेवन तो बड़ा लंबा हो जाता है, उसके आगे एक टेबल बना हुआ है, अगर वो आ जाए तो वो टेबल बना डाला बस, वो टेबल के अंदर ही सब कुछ मौजूद है, ठीक है। हाँ, एक्सप्लेनेशन पहले लिखी हुई है, उसमें एग्जाम्पल्स वगैरह नहीं है, तो इसमें और अगर चैप्टर क्वेश्चन ऐड करना चाहें तो क्रिस्टल सिस्टम का वो कह सकता है आपको। हाँ, क्रिस्टल सिस्टम के साथ साथ एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9 लिख लें, वो कौन सा है, आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म, ये आ सकता है बेटा, इसके साथ अटैच कर सकता है एन आइसोट्रॉपी, इनमें से कोई से दो लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में बना के दे देता है आप लोगों को, ठीक है, तो आपको इसके बारे में अच्छे तरीके से आइडिया होना चाहिए। चैप्टर फोर हो गया कंप्लीट, अब आते हैं चैप्टर फाइव पर। चैप्टर फाइव भी हमारी वो लॉन्ग, तीन इंपॉर्टेंट लॉन्ग लॉन्ग के लिए जो चैप्टर थे उनमें शामिल है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, अगर कैथोड रेज भी नहीं देता तो न्यूट्रॉन भी दे देता है, तो ये दोनों आपको याद होने चाहिए, कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज ज्यादा दफा आया हुआ, न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज कम दफा आया हुआ, लेकिन आ सकता है, आता है। चार्ज टू मैस रेशियो ईओएम, इसकी मेजरमेंट, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय जे जे थॉमसन मेथड,
चार्ज मेजरमेंट ऑफ चार्ज टू मैसेज बच्चे सारा एक्सपेरिमेंट सारा प्रैक्टिकल लिख देते हैं, लास्ट में ई ओवर एम की वैल्यू भी मेंशन करते हैं। वो वैल्यू आपने जरूर मेंशन करनी है 1.75 × 10^11 कॉलम पर जियोग्राम जो जेजे थॉमसन ने फाइंड की थी जरूर। मिली द नॉइज ड्रॉपलेट मेथड बड़ा मशहूर क्वेश्चन है आपको पता है, इसकी डायग्राम बड़ी अच्छी लेबल्ड होनी चाहिए। वी वन वी टू जो वेलोसिटीज हैं वो बड़े अच्छे तरीके से आपने उनके फॉर्मूला लिखने, फिर उनकी रेशियो वी वन ओवर वी टू वो जो है वो फॉर्मूला भी बड़ा सही एक्यूरेट, और फाइनली उसका जो चार्ज की वैल्यू आती है मिलिगन के मेथड से और जो मॉडर्न वैल्यू उन दोनों का बताना, दैट इज वेरी क्लोज टू मॉडर्न वैल्यू। ठीक है, मिलिगन की थी 1.59 ठीक है × 10^-19 कॉलम, और जो मॉडर्न वैल्यू है उसको आप जानते हैं 1.602 × 10^-19 कॉलम, उनका बताना। उसका एक्सपेरिमेंट बहुत एक्यूरेट बड़ा जबरदस्त था, इतना अर्सा पहले उसने किया था इतने साल पहले, और आज की जो मॉडर्न वैल्यू उससे मैच करती है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आ सकता है बेटा, छोटा सा टॉपिक है, उसमें 2-3 तरीकों से एनर्जी ऑफ रेडिएशन को एक्सप्लेन किया गया है। डिफेक्ट्स इन बोहर अटॉमिक बड़ा मशहूर क्वेश्चन हुआ करता था कोई 4-5 साल से, पिछले सालों में तकरीबन सभी एनुअल या सभी किसी ना किसी पेपर में जरूर आ रहा था, तो उम्मीद है शायद पिछले 3-4 साल से नहीं आ रहा, इस दफा आ जाए। एथमेटिक क्वांटम नंबर या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दोनों बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसमें आपने बताना होता है कि एथमेटिक क्वांटम नंबर जो है वो एनर्जी और शेप्स ऑफ सबशेल्स बताता है, और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये ओरिएंटेशन इलेक्ट्रॉन की बताता है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है इन ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की मोशन के बारे में बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, कि p सबशेल के आगे ऑर्बिटल्स कितने हैं, px py pz, इसके बारे में आपने इन्फॉर्मेशन देना होगी। एक्सरे स्टडीज और मोज़ले लॉ ये इंटरलिंक है, मोज़ले लॉ अलग से देते तो शॉर्ट में आ जाता, मोज़ले लॉ की एप्लीकेशन। ठीक है, और एक्सरे स्टडीज जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है पूरा, कि एक्सरे एनालिसिस कैसे किया था उसने, एक्सरे बनाई कैसे, एक्सरे की इन्वेंशन कैसे हुई थी। ठीक है, तो ये पूरी डिटेल इसमें आप लिखेंगे, डायग्राम लेबल बनाएंगे। ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स उसने यूज किए, किसके ऊपर उसने इनको फॉल करवाया। ठीक है जी बेटा, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो हो गया आपका चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट, इसके कुछ 7 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आ सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आयनाइजेशन एनर्जी वाला बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, डेफिनेशन पीरियड और ग्रुप इसके फैक्टर्स है। ठीक है, जो जिनकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी कम ज्यादा होती है अलॉन्ग द पीरियड ऑफ द ग्रुप, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट या रिलेटिव कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी काफी दफा आया हुआ है, ये आ सकता है, इसमें इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, तो 2-3 एग्जांपल डोनर एक्सेप्टर और उसका एडप्ट का कॉन्सेप्ट देंगे, डोनर का एक्सेप्टर का और एडप्ट। ठीक है, उसकी एग्जांपल देंगे आप, उसकी फॉर्मेशन के लिए दो रिएक्शन लिखेंगे कि इनमें बन रहा है। पॉस्टुलेट ऑफ वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वेस्पर या वेसेपर कह सकते हैं इसको थ्योरी, इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी के या तो पॉस्टुलेट्स पूछेगा, वो 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, वो 4-5 उसके पॉस्टुलेट्स बनते हैं। ठीक है, हमको पूरा डिटेल में लिखना आपके बुक में है। उसके अलावा या फिर कहता है एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन अमोनिया एंड वाटर बाय वेस्पर थ्योरी। ठीक है, ये बड़ा मशहूर लॉन्ग क्वेश्चन है, ये काफी दफा आया हुआ है और आता भी है। पॉस्टुलेट्स ऑफ पीपीटी, पीपीटी के पॉस्टुलेट्स पूछता है, या फिर कहता है एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन अमोनिया वाटर, वही जो इससे पूछता है वही इससे पूछता है, लेकिन फर्क है इसमें वेस्पर थ्योरी है जिसमें पीपीटी। एक्सप्लेन पॉस्टुलेट्स ऑफ एमओटी, एमओटी के पॉस्टुलेट्स बताएं, या फिर वो कहता है मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर एमओ डायग्राम बनाए, एमओ डायग्राम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम किसकी पूछेगा, हीलियम मॉलिक्यूल की, HE2 आपको पता ही एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन आपने इसका मॉलिक्यूलर एमओ डायग्राम बना के शो करना है कि ये क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इसके जितने इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में होते हैं उतने ही बॉन्डिंग में, या जितने बॉन्डिंग में उतने एंटी बॉन्डिंग में, बॉन्डिंग वाले अट्रैक्शन डेवलप करते हैं, एंटी बॉन्डिंग वाले रिपल्शन, तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होती, HE2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, ये करके शो करके दिखाना। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, फिर वो कहते हैं एमओटी का ऐसा फीचर बताए जो पहले किसी थ्योरी में नहीं था, तो वो है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन करना, एमओटी एक्सप्लेन करती है बाकी एक्सप्लेन नहीं करती। क्वेश्चन नंबर और चैप्टर नंबर 10 पे आ जाते हैं, चैप्टर नंबर 10 में इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेसेस क्या होते हैं और इनकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बताएं, इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस की इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बताते हैं आप। ठीक है, उसके बाद गैल्वेनिक सेल, इसकी कुछ 7-8 एप्लीकेशन है, हो सकता है वो 4 पूछे, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 है वो बतानी है आपको। ठीक है, जिसमें कोई रिएक्शन कोई इन्फॉर्मेशन ज्यादा आ रही है उसका वेट ज्यादा है। गैल्वेनिक सेल, इसकी डिस्चार्जिंग और रिचार्जिंग दोनों बताएंगे आप, गैल्वेनिक सेल का स्ट्रक्चर, उसमें क्या रिएक्शन होते हैं, वो डिस्चार्जिंग है, उनको कैसे दोबारा रिचार्ज किया जाता है, उन्हीं रिएक्शन का रिवर्सल, जब उसको किसी हाई वोल्टेज डीसी सोर्स के साथ अटैच करते हैं तो वो रिवर्स हो जाते हैं, तो वो रिचार्ज हो जाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड इट्स एप्लीकेशंस, इतनी एप्लीकेशन सर बुक में तो 6 है, कोई सी 3 को पूछता है आपसे, अब उसकी मर्जी है वो 2 भी कह सकता है, लेकिन एटलीस्ट 3 पूछेगा, लेकिन आप 6 की 6 याद करें तो पहले वाली 3 लिखा है, पहले वाली 3 वो ज्यादा अच्छी टेक्निकल आसान है उनको करें।
ठीक है, लिखने के पॉइंट से उनको इंपॉर्टेंस दे, याद सारी छह की छह करनी है। लेड स्टोरेज बैटरी डिस्चार्जिंग, लेड स्टोरेज बैटरी की स्ट्रक्चर क्या है, इसकी डिस्चार्जिंग मतलब वर्किंग कैसे करती है, और रिचार्जिंग मतलब ये इसको हम रिचार्ज कैसे कर सकते हैं वो। अच्छा बेटा, निकल कैडमियम सेल या बैटरी, ठीक है, और सिल्वर ऑक्साइड बैटरी, इन दोनों को इकट्ठा कर देता है। पहले जब कभी इस चैप्टर में से लॉन्ग आते थे ना, कोई 4-5 years बैक, तो निकल कैडमियम सेल या फ्यूल सेल में से कोई एक आता था। तो अगला क्वेश्चन फ्यूल सेल है, इसमें क्वेश्चन चैप्टर 6 में मिस हुआ है हमारा, ये है एक्सप्लेन बॉन्ड लेंथ एंड इट्स फैक्टर। बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इसके फैक्टर्स एक्सप्लेन करने बुक में है, चैप्टर 6 के सेकंड लास्ट क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन है। उसके बाद डाइपोल मोमेंट और इसकी एप्लीकेशन, डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन और एप्लीकेशन ऑन केमिकल मॉलिक्यूल्स, के सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल डाइपोल मोमेंट जीरो शो करते हैं, क्यों, उनके सारी डाइपोल मोमेंट्स एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाती है, ओवरऑल डाइपोल मोमेंट क्या आता है, जीरो, इसलिए सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। ये तो बेटा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपके इन तमाम चैप्टर्स के, ठीक है, अगर आप इनको अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो होपफुली आपका पेपर अच्छा अटेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि पेपर तो काफी अर्सा पहले बन चुका हो, अब तो पेपर चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, जो हम आपको बता रहे हैं, अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आया हुआ तो इंशाल्लाह वो आपकी फिगर टिप्स पे आ जाएगा, आप उसमें अच्छे मार्क्स ले जाएंगे। अब चैप्टर 3 और 8 वो हैं न्यूमेरिकल्स के चैप्टर, उनमें आपने क्या करना है, चैप्टर 3 और 8 में इनमें दोनों की लास्ट 5 examples और लास्ट 5 numericals, न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज में और एग्जाम्पल चैप्टर के अंदर टॉपिक के साथ साथ दी होती, ये करेंगे आप तो आपका इंशाल्लाह लॉन्ग क्वेश्चन का पूरी बुक का कवर हो जाएगा बड़े अच्छे तरीके से, और आप इसमें 24 out of 24 गेन कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, अल्लाह हाफिज़।